टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करें सब्जेक्ट इनकम टैक्स चैप्टर PGPP के अंदर। टॉपिक आज कवर करेंगे सेक्शन 35A(b)(a). किसे डील करता है ये सेक्शन? देखिए, सेक्शन मेमोराइज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद हो जाता है तो वेल एंड, बट रॉन्ग कोट नहीं करेंगे, ठीक है। ये डील करता है आपका स्पेक्ट्रम फी फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें इनकर्ड होता है ताकि आपको एक राइट मिल सके कि आप एक स्पेक्ट्रम को यूज कर सकें जो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से है, ठीक है। तो आपको स्पेक्ट्रम यूज करने का राइट मिलता है और आप उस राइट के बदले में फी पे करते हैं, ठीक। तो क्या कंडीशंस हैं उसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर तो ऑटोमेटिकली कैपिटल है, यानी छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स को नहीं देखना है। दूसरी कंडीशंस क्या है? ये जो एक्सपेंस है वो इनकर्ड होना चाहिए परचेज यानी एक्वायर करने के लिए। क्या मैंने क्या बोला? राइट, ठीक है, राइट टू यूज, ठीक है। आपको यूज करना है क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। कैसा राइट होगा? कोई भी किसी प्रकार का भी आपको जो है राइट यूज लेना है टू यूज दैट स्पेक्ट्रम फॉर द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। और ये जो खर्चा हुआ है ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको बाद में ही इनकर करना है, ठीक है। ये कभी भी इनकर हो सकता है, बिफोर कमेंसमेंट भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर कभी भी ये खर्चा इनकर हो सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो है पेमेंट जो है, जो एक्सपेंस है वो एक्चुअली होना चाहिए पेड, ठीक है। पेमेंट एक्चुअली पेड हो जाना चाहिए, ठीक है। किस लिए? राइट टू यूज दैट स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सारी चीज़ें मीच होते जाती हैं तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन में डिडक्शन मिलेगा, ठीक। कब मिलेगा डिडक्शन? किस पीरियड में मिलेगा डिडक्शन? भाई आपको हर उस ईच रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मिलता जाएगा जब आप खर्चा करते जाएंगे, ठीक है। तभी तो बोला फ्रैक्शन वाइज मिलता है वो डिडक्शन, ठीक है। तो हर वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो डिडक्शन मिलता जाएगा, ठीक है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बार बार बोल रहे हैं, क्या मीनिंग होती है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की? ठीक है, सपोज आपने फीस पे की है कमेंसमेंट से पहले, बिफोर कमेंसमेंट, ठीक है। सपोज आपने फीस को बिफोर कमेंसमेंट जो है पे कर दिया है, ठीक है, तब आपके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर माना जाएगा? जिस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस किया है उसको आपने प्रीवियस ईयर मानना है, ठीक है। और तब तक मानना है प्रीवियस ईयर को तब तक जब तक कि आपका स्पेक्ट्रम जो है चल रहा है, कंटिन्यूड है, स्टेड इन फोर्स है, ठीक है। और अगर आफ्टर में इनकर किया है या कोई अदर केस है अपार्ट फ्रॉम अबव, ठीक है, तो जिस जिस ईयर में फी पे कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली जो पेड हो रही है, ठीक है, और एक्चुअली आपने सपोज करो पे करी 2018-19 में, सपोज टू बी, हाँ, तो इसके बाद फ्यूचर के जितने भी आएंगे जब तक कि आप स्पेक्ट्रम को यूज कर रहे हैं वो हर प्रीवियस ईयर फिर काउंट होगा, ठीक है ना। सो आई होप इट्स क्लियर। प्रीवियस ईयर इन विच फीस इज पेड प्लस ऑल द प्रीवियस ईयर इन विच स्पेक्ट्रम इज इन फोर्स, ठीक। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही होगा, 1/n, ठीक है, ऐसे होता है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो 1/n होता है, और इसको हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जितने भी पीरियड के लिए उसने स्पेक्ट्रम लिया हो, ठीक। और के अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है, और डिडक्शन जो है एसएससी जो है रॉन्गली टेक कर लेता है, ठीक है, तब क्या होगा? एसेसिंग ऑफिसर जो है इसकी इनकम को रिकम्प्यूट करेगा, ठीक है, और जो नेसेसरी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी उसको कंडक्ट करेगा, ठीक है। सो ये कितना रिकम्प्यूट करेगा, क्या प्रोविजन है, वो आपका अपील वगैरह और आपके सेक्शन 154 में डील होता है, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी डीप प्रोसेस टू डील विद,
ठीक है। सो आई होप ये कंडीशंस और ये आपको क्राइटेरियाज क्लियर हो गई है। सेक्शन 35 ABA आपने एक स्पेक्ट्रम की राइट लिया है उसे यूज़ करने का, ताकि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकें। वो कैपिटल नेचर की होनी चाहिए, वो बिजनेस से पहले या कभी भी आपने खर्चा उसका पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, और डिडक्शन जो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।